गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल काजल ब्लॉग्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है आइस क्यूब के बेनिफिट्स आपकी स्किन के लिए क्या क्या है वो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं ऐसे आपको 5 बेनिफिट्स बताने वाली हूँ आपके फेस के लिए कि आइस क्यूब आप लगा दें अपने फेस पे तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जो आइस क्यूब्स होते हैं आप उसे अगर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, फेस पे मतलब आप अगर उसको आइस क्यूब ले लें और कोई भी कपड़े पे थोड़ा सा लपेट के आप उसे अपने स्किन पर अगर लगाते हैं या डायरेक्टली भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसे लगाते हैं तो उसके बाद में आपके फेस पे जो रेडनेस है वो कम होगी। आप मतलब जो फेस पे किसी किसी को रेडनेस हो जाती है ना, एकदम लाल लाल हो जाता है, तो वो बिल्कुल ख़त्म करता है। तो हमारा पहली चीज़ है ये रेडनेस को ख़त्म करता है ना। और फिर सेकंड चीज़ है जब हमें स्वेलिंग हो जाती है, जैसे फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, कहीं पे भी स्वेलिंग हो जाती है तो हम आइस क्यूब को रब करते हैं, उससे हमारी स्वेलिंग चली जाती है। तो आपके फेस पे अगर स्वेलिंग है तो ये भी इसे ख़त्म करता है। और हमारी जो तीसरी चीज़ है जो कि है आपकी आँखें, अगर आपकी आइस अगर आपकी वफी आइस है तो वो भी आपकी है ना उस ख़त्म करेगा। और आइस में जो ना ठंडा ठंडा लगता है आइस क्यूब लगाने पर, और जो स्वेलिंग अगर किसी को है तो वो भी थकान भी चली जाती है और आइस क्यूब लगाने से स्वेलिंग भी चली जाती है। तो ये आपके फेस पे देगा ग्लो। अगर आइस क्यूब्स आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे तो ये आपके फेस पे डेफिनेटली ग्लो लाता है। आपको इसे यूज़ करने का जो सही तरीका है, या तो आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं या तो आप नाइट में सोने से पहले इसे यूज़ कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, जिन्हें मतलब मेकअप करना पड़ता है, तो वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं नाइट में। और मतलब मेकअप रिमूव करने के बाद अगर आपको आपकी स्किन को रिलैक्स करना है तो आप आइस क्यूब्स लगा सकते हैं थोड़ी देर उसे रब करके। आपको थोड़ा ठंडक लगेगा, स्वेलिंग अगर है तो वो चली जाएगी और बहुत ही अच्छा होता है, ग्लो देता है आपकी स्किन के लिए। और एक और चीज़ है, आप अपने फेस पर जैसे मेकअप लगा रहे हैं तो मेकअप लगाने के बाद भी आप अगर आइस क्यूब भी लगाते हैं अपने फेस पे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टाइट करता है स्किन को, ग्लो लाता है और बहुत ही अच्छा रहता है। मेकअप लगाने से पहले अगर आप आइस क्यूब यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से सेट होता है मेकअप, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ें आप जैसे जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स है तो वो लोग आइस क्यूब लगा सकते हैं, ये एक्ने को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो एक्ने में आप इसे यूज़ कर सकते, अगर आपके फेस पे एक्ने हैं तो आप आइस क्यूब डेफिनेटली लगाइए, रोज़ लगाइए तो ये एक्ने को भी धीरे धीरे रिमूव कर देगा। अच्छा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।